अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियोस लेके आऊँगा फ्रेंड्स। आप मेरे ऊपर भरोसा करिए, मेरे चैनल पे खाली आप सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स। आपके सपोर्ट की मेरे को फिलहाल ज़रूरत है। बिना सपोर्ट के कौन भी कुछ भी नहीं है। कैरी मिनाटी को सपोर्ट की ज़रूरत थी स्टार्टिंग में। आज उन्हें नंबर वन यूट्यूबर है। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए। और कैसे आपको कौन से व्हीकल पे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए बोलिए, विच व्हीकल पे लेके आऊँगा मैं। आपसे वादा करता हूँ जब कर अब जब कमेंट्स वगैरह करेंगे जब कर मैं लेके आऊँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा फ्रेंड्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेल्स HA 2021 हीरो ओकिनावा एम्पियर अथर रिवोल्ट आने वाले भविष्य में और इलेक्ट्रिक टू व्हीलर लॉन्च किए जाने वाले हैं, जिससे इस सेगमेंट का संभावित विस्तार होगा। जबकि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी भारत में बड़े पैमाने पर बाजार में प्रवेश करने में सक्षम नहीं है हाल के महीनों में, विशेष रूप से दोपहिया क्षेत्र में इसकी वृद्धि निश्चित रूप से प्रभावशाली रही है। भारतीय ऑटो उद्योग के अधिकांश खंड 2020 में COVID-19 महामारी के कारण हुए अभूतपूर्व संकट से जूझने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि 2021 के पहले 6 महीनों में COVID-19 महामारी की एक घातक दूसरी लहर का सामना करने के बावजूद इलेक्ट्रिक टू व्हीलर स्पेस में सराहनीय वृद्धि देखी गई। एक प्रकाशन द्वारा किए गए निम्नलिखित अध्ययन में पिछले साल और इस साल की पहली छमाही में बेचे गए हाई स्पीड इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की संख्या को निर्दिष्ट करने वाले डेटा का पता चलता है। विश्लेषण में भारत में 11 प्रमुख ईवी निर्माताओं द्वारा बेचे जाने वाले केवल हाई स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे की न्यूनतम टॉप स्पीड बैटरी से चलने वाले दोपहिया वाहन शामिल हैं। ये 11 ब्रांड पिछले साल 2021 की पहली छमाही में ही बेचे गए इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की संख्या को पछाड़ने में सफल रहे। पिछले साल हाई स्पीड टू व्हीलर्स की कुल 25,598 यूनिट -5.97% की बिक्री हुई थी। इसकी तुलना में चालू कैलेंडर वर्ष के पहले 6 महीनों में 29,288 यूनिट्स की बिक्री हुई। हीरो इलेक्ट्रिक लीड सेगमेंट इस साल की शुरुआत से 7 जुलाई तक 11,432 यूनिट्स की बिक्री के साथ हीरो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर स्पेस में सबसे ज्यादा बिकने वाला OEM बना रहा। कंपनी ने कैलेंडर वर्ष 2020 में 41% की सालाना वृद्धि दर्ज की, जो औसतन 1,633 यूनिट्स में तब्दील होती है प्रति महीने। पिछले साल कंपनी ने इसी तरह की 8,111 यूनिट्स की बिक्री की थी। हीरो इलेक्ट्रिक के बाद गुड़गांव स्थित ओकिनावा ऑटोटेक का स्थान है, जिसने 2021 के पहले 6 महीनों के दौरान 5,903 इकाइयां बेची। इसके परिणाम स्वरूप 843 इकाइयों की औसत मासिक बिक्री हुई। 2021 की पहली छमाही के दौरान 557 इकाइयों की औसत मासिक बिक्री के साथ ओकिनावा को एम्पियर वाहनों द्वारा 3,899 इकाइयों के साथ पीछे छोड़ दिया गया था। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर स्पेस में इन तीनों निर्माताओं की बाजार हिस्सेदारी 70% है। अथर एनर्जी प्रोग्रेसिव नंबर दिखाती है बड़े तीन का अनुसरण। बेंगलुरु स्थित ईवी स्टार्टअप आथा एनर्जी द्वारा किया जाता है, जिसने वर्तमान कैलेंडर वर्ष के पहले 6 महीनों में लगभग 3,758 इकाइयां बेची हैं। 2020 और 2019 के लिए वार्षिक बिक्री का आंकड़ा क्रमशः 2,972 यूनिट और 2,290 यूनिट रहा। कंपनी वर्तमान में दो इलेक्ट्रिक स्कूटर 450X और 450 पेटालीटर की बिक्री करती है।
इसने हाल ही में अपने उत्पादन आधार को होसुर में एक नई सुविधा में स्थानांतरित कर दिया है। अथा भी नए शोरूम खोलकर देश में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की योजना बना रही है। महीने वार बिक्री के मामले में मार्च 2021 में पिछले दो वर्षों में 9,875 इकाइयों के साथ सबसे अधिक बिक्री देखी गई। इस सेगमेंट में निकट भविष्य में और अधिक नए ईवी ब्रांड और देश भर में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के साथ अधिक खरीदार देखने को मिलेंगे। इस सूची में सबसे अधिक ध्यान देने योग्य जो ओला का आगामी इलेक्ट्रिक स्कूटर हो